हेलो प्यारे बच्चों बच्चों आज हम करेंगे कक्षा एक की सप्ताह बाईस की गणित की कार्यपत्रक और उसमें हम करेंगे एक से लेकर बीस तक की गिनती चलिए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को हल करना प्रश्न एक देखिए बच्चों यहाँ पर चित्र में कुछ फूल दिए गए हैं कुछ तितलियों के चित्र दिए गए हैं और कुछ मधुमक्खियों के चित्र दिए गए हैं आपको बताना है कि फूल मधुमक्खी और ये तितली जो है कितनी है चलिए पहले हम फूलों को गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो फूल जो है पंद्रह हैं हमने पंद्रह लिख दिया अब हम तितली काउंट करते हैं तितलियां हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह तितलियां हैं अब मधुमक्खियाँ गिनते हैं वो हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह वो है ग्यारह हमने इनकी संख्या यहाँ पर लिख दी है प्रश्न दो में गिनतियों को पूरा करना है करते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस प्रश्न तीन देखिए यहाँ पर आपको इन चीज़ों को गिनना है और जितनी वो हैं उस सही संख्या पर यहाँ पर गोला लगाना है जैसे ये जो ये हैं ये सोलह हैं तो सोलह पे गोला लगा दिया चलिए इनको गिनते हैं हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो ये चौदह पर हमने गोला लगा दिया इनको गिनते हैं हम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह पे हमने गोला लगा दिया इनको जब गिनेंगे तो ये अट्ठारह आएंगे हमने अट्ठारह पर गोला लगा दिया है और जब हम इनको गिनेंगे इन टॉफियों को तो ये बारह निकलेंगी और ये केले निकलेंगे ग्यारह तो हमने इन पर गोला लगा दिया है प्रश्न नंबर चार में भी क्या करना है यहाँ पर दस पेंसिल हैं दस पेंसिल गिनी सेब गिनते हैं हम एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह सेब हैं कारें हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ कारे खड़ी हैं चिड़िया जो हैं ये चिड़िया है बारह चिड़िया हैं और दोनों हाथों में दस उंगलियां हैं हमारी दो आंखें हैं और मेंढक जो है ये ग्यारह मेंढक हैं हमने ग्यारह लिख दिया है प्रश्न पाँच देखते हैं नीचे दिए गए चित्रों को देखो और आपको बताना है कि गोले के अंदर वाले तारों की संख्या यानी ऐसे कितने तारे हैं जो गोले के अंदर हैं वो हम गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच और छः छः तारे गोले के अंदर हैं लाल वर्ग के अंदर वाले तारों की संख्या यानी कि जो लाल रंग का चौकोर है इसके अंदर कितने तारे हैं लाल रंग के चौकोर के अंदर तारे गिनते हैं हम एक दो तीन चार पाँच छः और सात वो है सात अब देखिए सभी वर्गों के अंदर वाले तारों की संख्या यानी चकोर के अंदर कितने तारे हैं हम गिनते हैं वो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह यानी अट्ठारह तारे जो हैं वो वर्ग के अंदर हैं अगला प्रश्न करते हैं प्रश्न छः इसमें संख्याएँ दी गई हैं तीन बारह बीस आठ तेरह चार दस सत्रह एक सात अट्ठारह और पंद्रह और इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ ली गई है सबसे बड़ी संख्या बच्चों इसमें बीस है और सबसे छोटी संख्या जो है इसमें वो है एक यहाँ पर हमारी कार्यपत्रक समाप्त होती है बच्चों बच्चों बाकी सब्जेक्ट की वर्कशीट के आंसर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें